हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल डिलीशियस फूड बाय सुचित्रा। और आज मैं आप लोगों के लिए लेके हाजिर हूँ श्रावण स्पेशल और एक रेसिपी। ये है लौकी आलू की एक स्पेशल रेसिपी जो आप लोग बिना लहसुन प्याज के बना सकते हो। और इसका लुक तो आप लोग देख रहे हो, बहुत ही हेल्दी और टेस्टी होती है। तो चलिए इसका रेसिपी शेयर करते हैं। तो इसके लिए ऐसे मैं एक गोल लौकी लिया हूँ, इसको छिलका उतार के इसको ऐसे कट कर लेना है बड़े बड़े साइज़ में। आप चाहे तो आलू दे सकते हो या स्किप कर सकते हो आलू को। तो मैंने एक छोटा साइज़ का आलू इसमें ऐड किया है और कढ़ाई में ऑयल डाल दिया। ऑयल मेरा गर्म हो गया है तो इसमें मैं बड़ी ऐड करूँगी। ये जो दाल होती है, दाल का बना होती है, तो ये मैं उठा के रखूँगी फ्राई करके। तो इसको अच्छे से फ्राई कर लेना है लाल करके और इसको उठा के रखना है। अब मैं इसी ऑयल में ऐड करूँगी तेज़पत्ता, सूखा मिर्च और जीरा। चेंज होने के बाद कलर इसका ऐड करना है हींग। और इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा अदरक और एक टमाटर। अब इसमें मसाला ऐड करेंगे फ्राई होने के बाद, थोड़ा फ्राई कर लेंगे। अब ऐड करेंगे इसमें मसाला। मसाला इसमें ज़्यादा कुछ नहीं ऐड होती है। ऐड करेंगे थोड़ा सा जीरा पाउडर और ऐड करेंगे कश्मीरी मिर्च पाउडर, ब्लैक पेपर पाउडर, नमक स्वाद अनुसार और हल्दी। अब इन सबको अच्छे से मिला देंगे। टमाटो को थोड़ा मैश कर देंगे और हरा मिर्च मैंने दो आधा करके डाल दिया। और जो हमारा सब्जी लौकी और आलू काट के धो के रखा था वो मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। तो इसको अच्छे से चला लेंगे, कुछ देर फ्राई कर लेना है अच्छे से। गैस की फ्लेम अभी हाई पे ही है, कुछ देर फ्राई हो जाए उसके बाद इसमें गर्म पानी ऐड करना है। आपको ग्रेवी अगर आप लोग सूखा बनाना चाहते हो तो पानी कम ऐड करना, और अगर आपको थोड़ा सा ग्रेवी चाहिए तो उस हिसाब से ज़्यादा पानी ऐड कीजिएगा। यहाँ पे मैंने जो हमारा बड़ी फ्राई करके रखा था वो भी ऐड कर दिया और इसमें गर्म पानी ऐड कर देंगे। तो मुझे ग्रेवी ज़्यादा चाहिए उस हिसाब से मैंने पानी ज़्यादा ही ऐड कर दिया है। अब इसको ढक के पकाना है और कुछ नहीं करना है। तो इसको ढक देंगे 10 मिनट बाद, एक बार चेक कर लेना है। तो 10 मिनट हो गया है फ्रेंड्स। 10 मिनट बाद इसको खोल के ये देखिए, तो इसको फिर से ढक देंगे। अभी थोड़ा नरम होना और बाकी है, अच्छे से और नरम हो जाए। हल्का सा नरम हो गया है तो और भी नरम होने के लिए फिर से और 5-7 मिनट के लिए ढक देना है। देखिए मेरा ये सब्जी पूरा ही बन के रेडी हो गया है और 5-7 मिनट में ही। तो इसमें ऊपर इसके ऊपर से मैं थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर जो होती है वो ऐड कर दिया, ये ऑप्शनल है। और ऊपर से थोड़ा धनिया का पत्ता ऐड कर देंगे, ये टेस्ट इन्हेंस करता है। तो ये देखिए ये बन के रेडी हो गया है। इसको मैं सर्व करके भी आप लोगों को दिखाऊंगी। अब गैस की फ्लेम बंद कर देंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोग भी श्रावण के महीने में ऐसे हेल्दी एंड टेस्टी बना के सर्व कर सकते हो। और ये प्याज लहसुन की बिना सब्जी है और हेल्दी भी होती है। तो फ्रेंड्स, आप लोग भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलना आप लोगों को ये रेसिपी कैसा लगा।
और जो भी न्यू फ्रेंड्स मेरी वीडियो देख रहे हो, ऐसे न्यू न्यू रेसिपी के साथ मैं आप लोगों से मिलती रहती हूँ। तो ऐसे सिंपल रेसिपी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और एक लाइक ज़रूर कर देना फ्रेंड्स। तो आज के लिए इतना ही, और ये सब्जी आप लोग चावल रोटी किसी के साथ भी एंजॉय कर सकते हो। बाय बाय।